हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुनिवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और नहा कर आ गई हूँ किचन में और मैंने नहा लिया, बट नहाया जैसा नहीं लग रही होंगी क्योंकि क्या है ना, कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। निवी को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से उसे ना फीवर आने लगा है। तो रात को तो मैंने दवा दे दी थी तो वो सोई थी 2:30 के समथिंग, और फिर ना फिर सुबह से उठ गई 6 बजे, फिर उसे फीवर आ गया है। तो अभी मैंने दवाई दे दिया है, वो रो रही है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। और फिर अभी थोड़ा देर बाद सोचा है डॉक्टर को दिखवा देते हैं, क्योंकि आजकल ना ये सारी चीज़ें सुन सुन कर थोड़ा सा हेडेक होता है। तो बस अब मैं मतलब अभी तो नाश्ता वास्ता हो जाएगा, फिर देखने क्या उसकी कंडीशन है। अगर उसे वापस से लौट के फीवर नहीं आया तब तो ठीक है, फिर नहीं तो जाकर डॉक्टर को दिखवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे क्या क्या करती हूँ मैं। फिर इसके बाद मैंने बनाई चाय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। तो वो ना मतलब मम्मी के साथ पूजा कर रही थी, मैंने उसे ना सोचा था अगर उसे एकदम अच्छा सा लगेगा तो नहला दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उसके हाथ पैर धुला के अभी कपड़े चेंज कर दिए थे, तो वो भगवान जी के पास मतलब मम्मी पूजा कर रही थी तो उसे भी बैठा दिया था कि चलो वो भी खेलेगी, थोड़ा उसका माइंड फ्रेश होगा। मतलब फीवर फीवर से चिड़चिड़ी सी हो रही थी, तो हो सकता है शायद दांत आ रहे हैं वापस से। उसके क्या हुआ है ना, सामने के फोर टीथ आ गए थे, फिर पीछे से आ रहे हैं उसके, तो वो ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो अभी थोड़ा सा उसको अच्छा लगा इसलिए वो खेल रही है। तो बस ही उसने की आरती, वो बस खेल में लगी थी, फिर ना वो हिल रही थी, मम्मी आरती कर रही थी, तो फिर उसने बोला आरती ख़त्म हो गई, तो भगवान जी का गेट लगाने लगी। फिर बस इसके बाद ना आज मसाले वाली कचौड़ी बनाए थे। आज थोड़ा सा ये था कि तेल वाला भी सिंपल सा खाना बनाना था, तो फिर नाश्ता तो ज़रूरी ही ना, क्योंकि क्या होता है नाश्ता इसलिए इस समय ऑयली बन रहा है क्योंकि आप मार्केट तो से तो कुछ आ नहीं पा रहा है। तो ये लगता है घर पे ही बना लें, सबका पेट भर जाए। और नाश्ते में क्या होता है, मेरे घर में थोड़ा सा ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद भी करते हैं, इसलिए ये कचौरी बन रही है मसाले वाली। उस दिन बुआ ने बनाया था ना, जो वो थी आलू और प्याज की दीदी ने उसकी रेसिपी भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। और ये मसाले वाली तो क्या है ना, अभी सब लोग मतलब मैंने अभी एक एक चीज़ कैप्चर तो नहीं कर पाई हूँ, फिर मैं किसी दिन इसका कैप्चर करूँगी वीडियो, मतलब मसाला वापस से दिखाऊँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग समझ सकते हैं कि घर में अभी एक एक चीज़ का कैप्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये बन गई है कचौड़ी। फिर निवी ना थोड़ा सा उसे अच्छा लग रहा था, एक्चुअली क्या हुआ था, वो मतलब नाश्ता वास्ता कर रही थी ना तो उसने कपड़े में गिरा लिया था, तो मैंने सोचा उसे नहला देती हूँ। और सबसे बड़ा प्लस मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ना अभी मैंने डॉक्टर को दिखवाया था, उसने ये सॉप दिया है निवी को नहलाने के लिए, और ये क्रीम दी है, तो हो सकता है कि उसको इसके बाद रिलीफ मिले। उसके साथ क्या है ना, वो पूरा दिन उसकी बॉडी में ना इचिंग होती है। तो मैंने दिखवाया है, 2-3 डॉक्टर से दिखवाया है, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है उससे। अगर आप लोग को जानकारी हो कि बच्चों को इचिंग ऐसी ही होती है क्या, तो फिर मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। और ये और एक बार का सेक लिया था, फिर इसके बाद लगाया नाश्ता। और थोड़ा सा क्या हुआ था ना, अप्पे भी बना लिए थे सिंपल से, क्योंकि रोज़ रोज़ पोहा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए कचौड़ी और ये अप्पे हो गए थे। तो इसमें ग्रीन चटनी और मीठी चटनी, जो उस दिन मैंने फुलके का दिखाया था ना, वो रखी है, फ्रिज में रख दिया था, तो वो है, और सेव वाली नमकीन और ये कचौड़ी। तो बस, और ना क्या हुआ था, अंदर किचन में अब इतना सामान था ना तो नहीं बॉइल्ड हो पा रहा था, दूध तो बाहर रख दिया था। और ये फिर उसके बाद हुआ खाने की तैयारी, क्योंकि खाना भी साथ साथ में होते जा रहा था। यहाँ पे मम्मी सब्जी कट कर रही थी, लौकी, बरबट्टी। बरबट्टी ये था ना कि शाम को सोचा था बनाने के लिए, तो बरबट्टी रख तो लिया था, फिर सबने बोला हम नहीं खाएँगे, तो फिर बरबट्टी नहीं काटा था। और ये लौकी, और बस फिर इसके बाद खाना वाना हुआ, मैंने दाल वाल लगा दी, ये पक गई थी तो इसे भी फ्राई किया, क्योंकि एक एक काम करते जाओ तो वो सही रहता है। फिर इसके बाद मैंने चावल बना के रखा और इसे पस, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये रहता पसा वाला चावल बनता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो ये है थाली जो कि लग गई है इसमें, ये जो है ना छोटे छोटे पीस में मैंगो, दाल और टमाटर प्याज का स्लाइस। फिर इसके बाद जाने का टाइम हो गया था, तो ये बनाई मैंने चाय। और फिर बस फूफा जी लोग चले गए थे, तो ये जो दो लोग दिख रहे हैं ना, ये कपड़े वाली जो शॉप है, तो वहाँ के भैया लोग हैं, मतलब आते हैं, उनका वर्किंग बॉय हैं। तो बस इन्होंने जब बुआ और फूफा जी का सामान उतारा और सब लोग जा रहे थे, नानू बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा अटैच है नानू
बुआ कहती है बिल्कुल अपने पापा जैसी है, मैं जाती थी तो वो ऐसी ही रोती थी, तो बहुत ही ज़्यादा टच है वो। तो बस सब लोग चले गए, घर सोना सोना हो गया। फिर वापस से मैंने ना बहुत वैसा लग रहा था, थका थका था, तो मैंने चाय पी और नानू बहुत ज़्यादा रो रही थी तो बस ये बहला रहे थे उसे, और निवी की भी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था, उसे दवाई दिया था ना इसलिए। तो ये उन लोगों को खिला रहे दोनों बच्चों को कि चुप हो जाए, किसी तरीके से बहला रहे थे। फिर मैं ना क्या हुआ, सब नीचे तो कुछ काम ऐसा था नहीं, और फिर मैं मम्मी बात कर रही थी और फिर मैं ऊपर आई, नानू को बहला रहे थे ना, और ये नानू बोलती मम्मी इसे दिखाओ, तो ये हार्ट शेप में ना ये जो फ़ोटोज़ हैं ना ये नानू की हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरी भाभी जब आई हुई थी नानू की मामी फर्स्ट टाइम चंदिया, तो उसके लिए लेकर आई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लेकर घूम रही हूँ, तो ये है निवी की दूध गर्म करने वाला मशीन। एक्चुअली क्या होता है ना, निवी ना गुनगुना दूध पीती है, और सारा टाइम दूध तो गुनगुना रह नहीं सकता, तो मैं क्या करती हूँ ना, जब रात को आती हूँ रूम में तो एक बॉक्स मतलब एक डिब्बे में स्टील के दूध रख कर लाती हूँ, तो जब भी उसे ज़रूरत होती है ना तो मैं इसे ये लगा कर प्लग और इसमें डाल देती हूँ बॉडी। इसमें जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, मतलब जो ये मशीन दिख रही है, इसमें आधे ग्लास करीब पानी डालती हूँ और ये बॉटल डाल देती हूँ। तो जैसे मतलब पानी बॉइल्ड होता है तो ये बॉटल का दूध भी गर्म हो जाता है। बस मैं इसे निकाल कर रख दूँगी 5 मिनट तक के लिए, तो वो थोड़ा सा इसकी हवा लग जाएगी तो मतलब गुनगुना सा हो जाएगा। तो रात को मैं अब नीचे कहाँ जाऊँगी ना, इसलिए मैं मशीन रख कर रखी हूँ। तो इसे वॉश कर रही थी क्योंकि पानी से थोड़ा गंदी से दिख रही थी। और ये देखिए भिंडी स्प्रिंग स्टाइल में, सॉरी बरबटी। तो फिर बस मैंने बरबटी कट किया, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि रात को बनाऊंगी, तो बस ये बरबटी कट किया, बरबटी की सब्जी बनाई थी। और ये इन्हें नहीं खाना था, मैं किसी दिन आप लोगों को इनका नाइट का खाना आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ये रात को क्या खाना पसंद करते हैं, इनका डेली का क्या खाती हैं रात को। बस प्याज व्याज काटा और ये लगा था ना, सब लोग अपने अपने काम, मम्मी सफाई कर रही थी और दीदी कुछ काम से ऊपर हॉल में थी और बच्चे लोग खेल रहे थे और मैं अपने किचन का काम कर रही थी। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, हो जाएगा। और फिर बरबटी बनाया, इनका खाना अलग रहता है रात का। और बस फिर देखते हैं कि पापा क्या खाएंगे, क्योंकि पापा को भी ये बरबटी ना पसंद नहीं है। तो मैं ना प्याज वाली बरबटी, भिंडी भैया खा लेते हैं, तो मैंने सोचा पहले उनके लिए बना देती हूँ प्याज वाली बरबटी। क्या होता है ना, जब प्याज वाली बरबटी बनाते हैं, जैसे कि आलू की सब्ज़ी जब बघारेंगे, आलू बरबटी की सब्ज़ी, तो उसमें तो प्याज डालती ही हूँ। अगर मान लीजिए प्याज वाली बना रही, तो वो सिर्फ प्याज वाली बनाती हूँ। फिर इसके बाद निवी इनके साथ खेल रही थी ना, तो वो ऐसे लेटाए हुए थे पैरों पे, तो फिर वो सो गए, तो उसे हिला रहे हैं कि उसकी अच्छे से नींद लग जाए। बस फिर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।